हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी भावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। सात मौत के बाद अब मनपा की नींद खुलने के चांस दिखाई दे रहे हैं। दरअसल विभिन्न कारणों से कुल 90 कर्मचारियों को मनपा ने निलंबित किया था, जिसमें से सात कर्मचारियों की जीवन लीला समाप्त हो चुकी है और इसके लिए सभी कर्मी मनपा और सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं। रविवार को सपकाले नामक कर्मी की आत्महत्या ने आक्रोश की सारी सीमाओं को तोड़ दिया और मनपा के निलंबित कर्मी न्याय की मांग के लिए जान देने की धमकी देने लगे। किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत किया गया और सोमवार को इस संबंध में विधायक सुरेश भोले, मनपा आयुक्त डांगे, गजानन सोनवने, कैलाश सोनवने, सुनील भोड़े, कर्मचारियों के नेता मोहन शंखपाल समेत मान्यवरों की उपस्थिति में एक बैठक का आयोजन किया गया। समिति के कहार से चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया कि आने वाले 7 दिनों में इस समस्या का स्थायी हल निकाला जाएगा। इस दौरान नियम और कानून का भी ध्यान रखा जाएगा और किसी पर भी बेमतलब का अन्याय न हो, ये भी जरूरी होगा। दंडात्मक कार्रवाई मना किंवा डिमोशन मना किंवा बदली मना किंवा इंक्रीमेंट थांबवणे मना असे प्रकार नियमानुसार आहेत, पण डायरेक्ट बरतर्फी होत नाही आहे। साहेबांनी सुद्धा मान्य साहेबांनी आश्वासन दिलेलं आहे की 8 दिवसात चौकशी करून कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याचा आम्ही प्रयत्न करू, त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं जाईल आणि मला वाटतं नियमानुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्याला डायरेक्ट बंडतर्फ करता येत नाही, त्याला नोटीस द्यावं लागतं, त्याचं म्हणणं ऐकून घ्यावं लागतं आणि त्यानुसार ती कारवाई करतील। आणि आम्हाला मनपामध्ये घेण्याबाबत जूनमध्येच एक समिती स्थापन करण्यात आली होती, उपायुक्त त्या समितीचे अध्यक्ष आहेत, पण नंतर निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे तो प्रश्न मागे पडला। आता उद्यापासूनच त्या समितीच्या कार्यवाहीला सुरुवात करण्यात येत आहे आणि पुढील 8 ते 10 दिवसांमध्ये या प्रकरणी निकाल लावण्यात येईल। नेताओं अधिकारियों ने तो अपनी बातें बोल दी, लेकिन 7 परिवारों के चूल्हे जलाने के लिए ईंधन और उनके भविष्य के लिए सभी को मिलजुल कर सोचना चाहिए। भारतीय कानून भी यही कहता है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, फिर निलंबित कर्मचारियों के निर्दोष परिवार को सजा क्यों। जलगांव से धर्मेंद्र के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।